मुंबई की सेवरी इलाके में गोडाउन में आग लगने से गोडाउन पूरा जलकर राख हुआ। वहीं मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर टैंकर पलटने से टैंकर में लगी भीषण आग, दो लोगों की जान चली गई। अजीत पवार के खिलाफ भतीजा उतरा मैदान में, युगेंद्र पवार ने कहा शरद पवार का समर्थन करूंगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे, सीएम एकनाथ शिंदे से किए मुलाकात। हमारी जमानत बच जाती थी तो खुश हो जाते थे, जेपी नड्डा ने याद किए पुराने दिन, बोले बीजेपी अमावस्या से निकलकर पूर्णिमा तक पहुंचे। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर मिले 54 विस्फोटक डेटोनेटर, पुलिस जांच में जुटी, आतंकी हमले की साजिश। रिलायंस और आईआईटी ने मिलकर बनाया देसी चैट जीपीटी, हनुमान अगले महीने होगा लॉन्च। वहीं मुंबई में प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। शरद पवार गुट के विधायकों को ठहराया जाए अयोग्य, अजीत खेमे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पीकर को भेजा नोटिस। मराठा आरक्षण को लेकर फिर बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर। वहीं मुंबई में लंदन से लौटी माँ बेटी ने होटल में किया चेक इन, 10 दिन बाद कमरे से निकली माँ की लाश। वहीं थाने में 22-23 फरवरी को पानी की सप्लाई नहीं होगी, मुम्बरा दीवा कलवा में पानी की सप्लाई रहेगी बंद। अखिलेश यादव होंगे मुंबई यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष, पिता बाबा सिद्दीकी के एनसीपी में जाने के बाद जिसान सिद्दीकी को पद से हटाया गया। वहीं एक अजीब मामला सामने आया, दो दिन से गायब छात्र का शव पेड़ से लटकता मिला, बोर्ड परीक्षा देने के लिए मुंबई से आया था ननिहाल। मुंबई के धरावी पुनर्विकास को लेकर 1 मार्च को होगी सार्वजनिक बैठक। वहीं एक बड़ी घटना, दीवा रेलवे स्टेशन पर हिट एंड रन गिरोह के कारण यात्री ने अपना हाथ खोया। मुंबई के वर्ली बिक्रोली और अंधेरी में शुरू होगा स्विमिंग पूल, लोगों को मिलेगा तैरने का मजा। वहीं मुंबई महाराष्ट्र में जल्द ही 5 जिलों में 85 चक्रवात आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, इससे मिलेगा लोगों को लाभ। वहीं मौसम विभाग ने बताया मुंबई में तापमान गिरने की है संभावना, लोगों को अधिक ठंडी महसूस होगी। नवी मुंबई की महिला से शेयरों की खरीद बिक्री की आड़ में 1.92 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर एसपी अपडेट पर। थैंक यू।